नहीं हमें पता चेक करके आता ये रोड आगे से भी ज्यादा रिस्की रोड है, रोड ही नहीं आगे तो आगे तो रोड ही नहीं है। नहीं वो तो चलो ना, वो तो जाना नहीं है, आगे जान का रिस्क है। तो ऑक्सीजन की भी कमी है, जंगली जानवरों का घर है, देख सकते हो चट्टाने कितनी बड़ी बड़ी, रोड बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे बाइक स्लिप हो जाएगी, हद से ज्यादा ठंड है यार, और यहाँ पे ज्यादा रिस्की है यार, चिक्कड़ में चढ़ाई है, पर पेड़ यहाँ पे गिरा हुआ है, बाइक फिर से स्लिप के लेना है इस रोड पे, ये पत्थर बज रहे हैं, फंस चुकी है गाड़ी पूरी, जहान है ठीक है, क्योंकि यार एक दो बार मैं ऐसे हिली एरियाज में आऊंगा ना तो मेरे को खुद ब खुद बाइक का पूरा पता चल जाएगा कि यार नहीं कैसे कंट्रोल कैसे करना, फर्स्ट टाइम पे कोई नहीं कर सकता कंट्रोल यार, और कोई बंदा सीख के नहीं आता यार, सीखना पड़ता है हर चीज़। अगर भगवान ने आपको दो हाथ दो पैर दिए ना तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, और जो सोचते ना कि हम कुछ नहीं कर सकते वो कुछ भी नहीं कर सकते भाई, कसम से लिटरली यार। कल तक मेरे से बाइक नहीं चल रही थी ऐसी रोडों पे, और आज मेरे से बाइक जो चल रही है ना, इम्प्रूव करना सीखो यार हर चीज़ को। मेरा तो अभी ऑपरेशन तक हुआ हुआ है लिगामेंट का, पर मैंने तब भी हार नहीं मानी, जब मेरा लिगामेंट का ऑपरेशन हुआ था पिछले साल ही हुआ है ठीक है, 2021 जनवरी में हुआ था मेरा ऑपरेशन, तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, मेरे को डॉक्टर ने मना किया था कि बुलेट नहीं आपने चलाना है कब से कम भी 8 से 9 महीने, बट मैंने तीसरे चौथे महीने में ही बुलेट को हार डाल दिया था। देखो अगर तुम जब तक खुद कोशिश नहीं ना करोगे यार, और तब तक तुम कुछ कर भी नहीं सकते, और मेरी बाइक सिर्फ किक पे स्टार्ट होती है, सेल्फ इसका ख़राब हो चुका है, बैरिंग इसके ख़राब हो चुके हैं, तो वो बैरिंग मैं नहीं डलवा रहा हूँ क्योंकि वो 4500 के हैं, तो इतना पैसा मैं नहीं खर्चने वाला हूँ क्योंकि मेरे को आगे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया था, और यहाँ पे दावर भाई रुक गए, बाकी मैं आपको स्टोरी बाद में सुनाता हूँ। दावर भाई ने मारी है ब्रेक, अब पता नहीं क्यों मारी है, अब पानी पीना होगा दावर भाई ने, तो चलो कोल्ड ड्रिंक पीना, गला सूख रहा है दावर भाई, अगर आपका गला सूख गया तो फिर किसका बचेगा। तो गाइस GoPro की बैटरी रह चुकी है 39%, तो मुझे वही डर है, और अभी सफ़र काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, पर चलो एक बैटरी चार्ज है, इसको मैं चार्ज पे लगा दूंगा, और ये ऑफ रोडिंग आप देख सकते हो क्या ही खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग है, और सारी रोड अब ऐसे ही आगे, तो टावर भाई वगैरह आगे चले गए हैं, और उनको बोल दिया मैं यार GoPro की बैटरी नहीं काम कर रही, क्योंकि इसको कई बार ये बीच में ज़्यादा देर चलाओ तो उसके बाद थोड़ी सी गर्म हो जाती है, क्योंकि GoPro काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, और ऑफ रोडिंग काफ़ी मस्त वाली है, और व्यू तो आप देख ही रहे हो यार क्या ही मज़ेदार व्यू है। मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ कि आपको व्यू पूरा दिख पाए, तो अब सारी रोड ही ऐसी जाएगी हमारी, भाई साहब बुलेट अपना जिंदा बाग है, और भाई नीचे जो खाई है ना खतरनाक ही है यार, और कोई फोटोज़ वगैरह भी खिंचवाएंगे आज यार, कोशिश करेंगे कहीं रास्ते में अच्छा व्यू आएगा, व्यू ही व्यू है यार यहाँ पर, तो एक नंबर मस्त जगह है यार, रोड आप देख ही रहे हो काफ़ी डेंजरस है, उस वजह से हम लेट होंगे, क्योंकि किलोमीटर ज़्यादा नहीं है, रोड का कमाल है सारा, रोड सारी ही की ऐसी ही है, और यहाँ से दो रास्ते हैं, अब कहाँ जाना है, मेरे ख्याल से सीधा ही जाना होगा, रास्ता ना भटक जाऊँ मैं, वो जा रहे हैं सामने, तो चलो इतना तो क्लियर होगा कि मैं सही रास्ते पे ही हूँ, बाकी यार सही है, अभी थोड़ा कंट्रोल भी चल रहा है बाइक का, खड्डे वगैरह काफ़ी हैं यार यहाँ पे, तो ऑफ रोडिंग है बड़ी गंदी वाली ऑफ रोडिंग है, और यहाँ पर रात को आना काफ़ी ज़्यादा ही रिस्की है, क्योंकि बाइक वगैरह कोई पता नहीं होता, और यहाँ पर मौसम का भी ऐसा सिस्टम है, ये नहीं है कि अगर आप अभी देख रहे हो धूप है तो कोई पता नहीं थोड़ी देर के बाद बारिश पड़ जाए, तो न्यूट्रल हो गई थी बाइक, और ये देख सकते हो पेड़ चीड़ के पेड़ हैं ये शायद से, जिसको नहीं पता मैं चीड़ दिखाऊंगा अगर आपको रास्ते में कहीं दिखेगी तो इसलिए मैं नमित को नहीं लेके आया, मेरे को भी पता था कि रोड में कुछ ना कुछ पंगा होगा, क्योंकि दो बंदे हो तो थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता, और जैसा कल हमने रात को सफ़र किया था वो उसके लिए इम्पॉसिबल सफ़र था, उस वजह से नहीं मैं उसको लाया, नहीं तो मैं लाने को क्या था, उसको ला सकता था अपने साथ, तो मैं निकल गया हूँ, मेरे को इशारा सिग्नल मिल चुका है कि आगे जाने का, बाकी रोड वगैरह तो ख़तरनाक ही है यार, मज़ा बड़ा आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, एंड लेवल है थोड़ी, यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी मेरे को लगता है कि थोड़ी सी यहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी है, क्योंकि और सूरज ट्रक पड़ रहा है,
आंखों में। और व्यू तो आप देख ही रहे हो यार, क्या ही मस्त वाला व्यू है। और घर बनाए हुए यहाँ पर भी, मेरे को लगता है बर्फ वगैरह पड़ती ही होगी यार, लगता क्या है पड़ती होगी। बाकी अभी वो थोड़ा पीछे रह गए, अभी दूर रहे थोड़ा सा। और मुझे अकेले डर भी लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा, मैं स्लो भी करने का यहाँ पे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पहाड़ है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है भाई, जानवर तो होते ही हैं, जंगल में जानवर नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। और सही बात जो है, जंगल ही जानवरों का घर है, तो वही है कि जानवर तो होते ही हैं यार ऐसी जगह पे, बट वो अपनी किस्मत है। वैसे थोड़ा रिस्क तो होता है, थोड़ा क्या, बहुत ही रिस्क है। और हमारे पास तो कोई वैसा औजार भी नहीं है, और हमने रहना भी रात को टेंट में आने को क्या आ भी सकते हैं रात को। तो यहाँ पे घूमना, निकलना भी इस रोड से काफ़ी ज़्यादा रिस्की है यार, मेरा मानना ये है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रिस्की जगह है रात के टाइम पे निकलने के लिए। तो अगर आपने कभी भी आना हो ना यहाँ पे इस साइड, तो दिन में ही आओ तो सबसे बढ़िया। और यहाँ पर काम भी चल रहा है मेरे हिसाब से रोड वगैरह बनने का। तो पर जय वैली इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है, और यहाँ पर सबसे पहले रोड बननी चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से साफ सुथरी रोड होनी चाहिए। बाकी मैं काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका हूँ, अब मैं इसकी बैटरी भी कहीं चेंज करूँगा, इसको चार्जिंग पे लगाऊँगा, क्योंकि ज़रूरत है इसको चार्जिंग पे लगाने की। और मेरे से एक गलती हो गई है, मेरे को पावर बैंक मैंने दूसरे बैग में रख दिया है, अब मैं वो तो नहीं निकाल पाऊँगा, रात के सीन में ही करूँगा, कि रात रात को सारा अपना ये वाला सीन हो जाए और डाटा निकालूँगा। मेरे पास फ़ोन स्पेस तो रहती नहीं है, तो मैंने नमित से फ़ोन ले लिया था, उसका एक नंबर जगह यार। और ठंड, एसी वाली ठंड है यार, सोचा था कि ग्लव्स डाल लूँगा बट मैंने ग्लव्स नहीं डाले, क्योंकि उससे ब्रेकिंग वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि आदत नहीं ना वैसी। देख सकते हो आप क्या ही ब्यूटी है यार, क्या ही घर बने हुए हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर लकड़ी वगैरह के घर बड़े बनते हैं, कि देख सकते हो। और थोड़ा होता है पहाड़ वाली साइड पर जहाँ सिंगल हो, आगे से कोई गाड़ी वगैरह आ जाए फिर दिक्कत हो जाती है। वैसे तो मेरे हिसाब से फ़िलहाल यहाँ पे ट्रक वगैरह तो नहीं आते होंगे, अगर आते होंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। तो दावर भाई भी आ चुके हैं पीछे, तो मेरा भी कंट्रोल पूरा है बाइक पे, तो व्यू तो आप देख ही रहे हो क्या ही एंड लेवल व्यू है यार। वीडियोज़ काफ़ी लंबी जाने वाली हैं, तो इसलिए अगला देखेंगे। अगला हमारा कल का प्लान है कि हम सरथल जाएंगे, तो सरथल का भी आपको दिखाएंगे। बद्री का सोचा था पर बद्री अभी कैंसिल कर दिया, बद्री हम जाएंगे शायद जून या जुलाई में। अगर जुलाई में मेरा लद्दाख का ट्रिप होगा तो बद्री का वहाँ पे अभी कोई सीन नहीं बनेगा, बट हम जाएंगे ज़रूर बद्री एक दिन। और हमने दूसरी बद्री जाना है जहाँ पे हमें खुद ही रोड बनानी पड़ेगी, ऑफ रोडिंग होगी पूरी। और हमारा चंबा का भी प्रोग्राम है, चंबा भी हम इसी जगह से जाएंगे, अपना भद्रवा से ही जाएंगे, वही का अलग ही आपको देखने को मिलेगा नज़ारा। बाकी बाइकें वगैरह तो हमारी बहुत ही सही तरीके से चल रही हैं, और जैसे कि पर ऐसी रोड पे ना अगर आपने आना है तो मेरा मानना ये है कि कभी सोलो राइड नहीं करनी चाहिए ऐसी जगह पे, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये सोलो राइड करने के लिए जगह नहीं है। और अगर सही मैं बोलूँ तो ये जंगल, घना जंगल है यार, डर लगता है कहीं पर भी कुछ भी आ सकता है यार, कोई पता नहीं है भाई, ये तो ब्यूटी है। और ये नेचर है यार, नेचर ही होता है यार, यहाँ के लोग ज़्यादातर बीमार वगैरह भी नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश एयर है, ना कोई पोल्यूशन है, ना कोई कुछ है, बिल्कुल सारा सिस्टम बिल्कुल प्योर है यहाँ पे। और चीज़ें भी यहाँ पे प्योर ही मिलेंगी आपको, सब्ज़ियाँ वगैरह यहाँ पे लोगों ने खुद ही अपनी उगाई होती हैं, तो इस वजह से वो चीज़ का बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा दुकानें वगैरह भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको मैकेनिक तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला अगर आप सोलो राइड कर रहे हो, तो अगर आप इस रोड पे आओगे ना कभी भी, तो आपको हर चीज़ आनी चाहिए, क्लच वायर आनी चाहिए, पंचर लगाना आना चाहिए। हमें तो पंचर लगाना नहीं आता, हमने वैसे ट्यूब रखी है, बट जल्दी जल्दी में हम निकलते हमने पंप लेना हम भूल गए थे, तो अभी वही है कि चल रहे हैं भगवान के भरोसे, कोई पता नहीं होता, क्योंकि दावर भाई का स्टैंड टूट गया, साइड वाला ग्रिप टूट गई, तो साथ में आके हॉर्न भी थोड़ा सा ढीला हो गया, क्योंकि यहाँ पे खड़कता बहुत है,
सिस्टम, क्योंकि रोड आप देख रहे हो और यहाँ पे लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं मस्त तरीके से। और भाई क्या हवा है यार, व्यू देखो यार, आप एक नंबर व्यू है यार। और कैंपिंग करने का तो अलग ही मज़ा आएगा ना, और जब आग पे बॉन फायर दिल लगेगा मस्त एकदम। तो वही है कि हमारे पास अगर हम दो दिन रहेंगे आगे पीछे, मतलब अगर आज हम जैवली रुकते हैं, अगर हम कल सरथल रहते हैं, तो हमारे पास वही है कि 3 पावर बैंक के सहारे ही हैं हम। तो अगर वो डेड हो गए तो फिर हमारा कोई पता नहीं कब किसे कॉन्टेक्ट टूट जाए, क्योंकि यहाँ पे तो इतना पक्का है टावर टूवर नहीं आ सकते यहाँ पे। और यहाँ पर अगर कोई शेर चीता भी आ जाए तो बंदा बाइक नहीं भगा सकता यार, सीधी सी बात है। ये लगता बड़ा आसान है और ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि ये जगह ऐसी है, पूरा जंगल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है, कोई पता नहीं है, ठीक है ना। तो अभी दिन दिन के टाइम में इतना रिस्क तो नहीं रहता, रात के टाइम पे ही ज़्यादा रिस्क है। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको जितना हो सकेगा ना मैं उतना आपको दिखाऊँगा यहाँ के बारे में, ठीक है। बाकी आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। और ये थोड़ा सा वाटर आ गया तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो अगर कैंपिंग पे निकलना है तो पूरा सामान साथ में कैरी होना चाहिए। और ये चिकड़ बड़ा थोड़ा सा ख़तरनाक है, यहाँ पे बाइक फिसलने का डर रहता है, तो इधर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी तो और कोई सीन है नहीं, थोड़ा चिकड़ वाली रोड है, चिकड़ पे थोड़ा ज़्यादा रिस्क है, सूखी रोड पे इतना रिस्क नहीं रहता क्योंकि हार्ड हो गया होता है सारा धूल मिट्टी उस वजह से। बाकी ये बाइक में टंकी तो फुल करवा ली थी कल, बट क्या ही पता यार, वैसे चल जाएगा, हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कल मैंने बाइक की एवरेज देखी थी तो 30-35 के करीब ही दे रही थी ये, और यहाँ पर कम दे रही होगी क्योंकि यहाँ पे दूसरे और तीसरे गियर पे ही बाइक चल रही है। बाकी चलो शायद हम जल्दी ही पहुँच जाएँ जिस हिसाब से हम जा रहे हैं, कोशिश हमारी यही है कि जल्दी ही पहुँचेंगे तो बढ़िया रहेगा। और बाइक अपना आपा भी खोल देती है यहाँ पर ऐसी रोड्स पर। और ये देख सकते हो चट्टाने, कितनी बड़ी बड़ी चट्टाने हैं यहाँ पे यार, यहाँ पे लैंडस्लाइड का भी डर होता है। ये रोड काफ़ी बढ़िया रोड है यार, तो उछल रहे हैं यहाँ पे बस, अब उछल रहे हैं भाई, सिर्फ उछल रहे हैं। और ब्यूटी, ब्यूटी की तो क्या ही बात करें यार, जय वैली की ब्यूटी एक नंबर है भाई। अभी जय वैली हम पहुँचे नहीं है, रोड ही है वो, बट मज़ा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है यार। और अच्छा लग रहा है यार कि कुछ एडवेंचर हो रहा है ज़िंदगी में, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की सपोर्ट होगी मेरे पास तो मैं बड़े बड़े एडवेंचर भी कर सकूँ। क्योंकि हम ऐसे ही चलते हैं कि एक बंदा आगे पीछे हो तो वो ठीक रहता है यार, बार बार पता लगता है कि कोई बंदा आगे पीछे कहीं मिस तो नहीं हो गया, तो उससे ठीक रहता है। बीच बीच में आगे पीछे एक दूसरे का वेट कर लो तो सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि कोई बंदा कहीं फंस जाए रास्ते में, कहीं गलत रूट पकड़ ले। तो अभी तो सीधा सीधा ही रूट है, कई जगह पर होता है कि 2-3 कब आ जाते हैं, वहाँ पे दिक्कत होती है सारी। और ये देखो नीचे खाई यार, क्या ही खतरनाक खाई है यार भाई, इतनी ऑफ रोडिंग मज़ा है यार, तगड़ा ही मज़ा है यार। और यहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं चल रही कि मतलब अगर कोई दिक्कत भी हो जाए तो बंदा किसी से हेल्प भी नहीं ले सकता इस जगह पे। आगे कहीं रुकेंगे जब थोड़ा सा, तो पानी शानी पियेंगे। फिलहाल तो पानी की बोतल ली है कि नहीं ली है कोई पता नहीं है, अभी खाने का सामान भी लेना थोड़ा बहुत, बाकी चिकन वगैरह तो उन्होंने अपने लिए ले ली। और ये देख सकते हो भाई क्या ही हट बने हुए हैं यहाँ पे, अब गोप्रो का मेरे को लग रहा है कि डेड होने वाला है, ब्लिंक हो रहा है। अब चलो अपनी किस्मत है, कभी भी डेड हो सकता है, फिर बैटरी चेंज कर देंगे एक बार। तो गाइस रोड तो आप देख ही सकते हो, अब तो पूरी ही सिंगल हो चुकी है और काफ़ी डेंजरस है, और टाइम भी 6 बज चुके हैं, 6:30 बज चुके हैं। तो हमने यहाँ से सामान लेना था, उस वजह से हम लेट हो गए। तो घना जंगल है ये भाई साहब, अब लगता है सही ऐसे टाइम पे डर लगता है। और ये जो जहाँ पे चिकड़ होता ना, कसम से ये चीज़ बड़ी गलत लगती है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे अब रोड ही नहीं है यार, रोड बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे को सेंटर में रहना चाहिए बट मैं पीछे हूँ सबसे, क्योंकि यार
रिस्क रहता है जय वैली में। चलो लोग होंगे, मेरे ख्याल से और भी रास्ता है जय वैली का, बट हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, डेंजरस वाले रास्ते से शायद। हाँ, डेंजरस वाले रास्ते से जा रहे हैं, एक भद्रवाह से भी निकलता है और हम चंगा वाली साइड से आए हैं। अभी आएगा आगे जाके पीर पंजाब, थोड़ा वो है। और ये देख सकते हो यार नीचे, और ये चिक्कड़ है ना, कसम से यहाँ पे डर ही लग रहा है। ये चीज़ मेरे को डर लगती है। और कोई दिक्कत नहीं क्योंकि टायर में हवा भी नहीं है, मेन पंगा वही है, टायर में हवा नहीं है। और यहाँ पे कोई दुकान भी नहीं है, और ये घना जंगल है भाई, एक नंबर खतरनाक है सीन। हमारे पास तराटी वगैरह भी है, बट यहाँ पे बाइक स्लिप हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। और यहाँ पर बाइक स्लिप नहीं, पैर स्लिप हो रहा है, टायर स्लिप हो रहा है, एक नंबर खतरनाक तरीके से। तो भाई खतरनाक 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 भाई खतरनाक सीन है यार। हिमालयन की जो बैलेंसिंग है ना, बहुत सही है यार, वो स्लिप नहीं होता। और अपनी बाइक का फंडा ऐसा है कि स्लिप मारने की कोशिश करती है पूरा, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा टायर भी गंजा है। थोड़ा मैं कैमरा ऊपर कर लेता हूँ, अब देख पा रहे हो यार क्या ही खतरनाक जगह है यार, खतरनाक रोड है। और यार ये चिक्कड़, सारा चिक्कड़ काम खराब कर रहा है मेरा। और ये चिक्कड़ में डर भी लगता है यार, टायर स्लिप बजता है, स्लिप बज रहा है, मतलब कि नॉर्मली एक स्लिप बज रहा है, अगर ज़्यादा कहीं घूमा तो बाइक स्लिप भी हो सकती है। तो मैंने एक चीज़ का शुक्र है कि मैंने राइडिंग गियर्स डाले हुए हैं, तो इतनी टेंशन नहीं है। अगर गिरूँगा भी तो राइडिंग गियर्स मेरे को बचा भी लेंगे। यहाँ पे दिन दिन में पहुँच जाए तो सबसे बढ़िया है यार, सात आराम से बच चुके होंगे। मोस्ट डेंजरस है यार, मोस्ट डेंजरस। और ये देखो एक साइड नीचे खाई है यार, ये देखो। और हमने टॉप पे जाना है इस पहाड़ी। टावर भाई का भी टायर थोड़ा थोड़ा स्लिप मार रहा है पीछे से भाई, ठंड मैं कह रहा हूँ भाई, बहुत ही निग्गर ठंड है यार, बहुत ही ज़्यादा यार, हद से ज़्यादा ठंड है यार इस रोड पे, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वो देख सकते हो पहाड़ी, क्या ही पहाड़ी है। और ये लैंडस्लाइड भी हुई है मेरे ख्याल से, पहाड़ी टूट के नीचे गिरी हुई है जहाँ तक मुझे लगता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये मुझे लग रहा है गिर के नीचे गिरा हुआ, टूट के नीचे गिरा है, और ऊपर आग भी चलाई हुई है। तो इसलिए दो चार बंदे आपके साथ होने चाहिए, एक नंबर रोड है भाई। और ये देखो डावर स्पीड पकड़ लेता अपनी, क्योंकि उसका पूरा हाथ कंट्रोल पूरा बैठा हुआ बाइक पे, मेरा भी पूरा कंट्रोल है, बट इसका वही सीन है ना कि ये थोड़ी ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है यार, इसको बड़े ध्यान से ही चलाना पड़ता है। और यहाँ पे गलत ही सीन है भाई, ओ भाई साहब। और यहाँ पे गिरने वाला था मैं, पर बच गया। और यहाँ से थोड़ा सा साइड से निकाल लेता हूँ, और नीचे नज़ारा देख सकते हो यार, क्या ही नज़ारा है यार। ओ भाई ये तगड़ा ही सीन है यार, तगड़ा ही सीन है भाई, तगड़ा ही गंदा वाला सीन है यार। ये जो चिक्कड़ है ना, सबसे मेन मेरे को चिक्कड़ से डर लग रहा है, बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑफ रोडिंग है, गंदी वाली ऑफ रोडिंग है, और एक साइड पे खाई। अभी तो चलो यहाँ पे फटे फुटे लगे हैं, और जो ऊपर नीचे रोड है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है यार, कोई पता नहीं। यहाँ से थोड़ी सी स्पीड पकड़ी आगे, ऊपर नीचे रोड हो जाए तो कंट्रोल करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो वो भी सीन है। और भाई एकदम सुनसान रोड है यार, ना कोई गाड़ी आ रही है, आप भी देख ही चुके होगे कि कोई गाड़ी घोड़ी भी नहीं आती। वही है यहाँ पे, मतलब कि आप किसी से मदद नहीं ले सकते। अगर आप यहाँ पे फंस गए ना तो भाई फंस ही गए हो, इतना सोच लो कि अगर यहाँ पे आ रहे हो तो आपके पास सब कुछ होना चाहिए। अभी दोबारा से बाइक स्लिप हो गई थी बट बच गई। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से निकालना पड़ेगा। और ये चढ़ाई है यार, चिक्कड़ में चढ़ाई है, कि थोड़ा गंदा सीन है, पर निकाल गई, बाइक निकल चुकी है। बट ये कुछ और ही साहब की रोड है यार, कुछ और ही है ये। और ये देखो यार, डर सा ही लग रहा है यहाँ पे कि बाइक ना फिसल जाए। हाँ कितना टाइम लगेगा, टाइम छोड़ो ना, टाइम कितना लगेगा, पहुँच जाएंगे आधे घंटे में। तो गाइस ये देख सकते हो आप, ऊपर पेड़ यहाँ पे गिरा हुआ है, तो ये
खतरनाक ही सीन है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे को लग रहा है लैंडस्लाइड वगैरह भी होगी, और ये और अंधेरा भी होने वाला है। तो अंधेरे से पहले पहले तो हम मुश्किल ही पहुँचेंगे, क्योंकि जितना हम हाइट पे जाएंगे उतना उतना अंधेरा बढ़ता जाएगा। और रोड तो बिल्कुल नामो निशान नहीं है यहाँ पे, और बाइक फिर से स्लिप मारने लगी थी। तो गाइस प्लीज़, यहाँ पर कोई चीज़ देखी थी उन्होंने, तो यहाँ पे बाइक फंस चुकी थी और ये तो निकाली अंधेरे में। मेरे को यहाँ रोड का नहीं पता चलेगा यार, बाकी मेन सीन वही है कि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा, और भाई ऊपर देखने का ना मतलब तो मैं सीधा ही देख रहा हूँ यार, ऊपर पहाड़ों वाली साइड देखने का मन भी नहीं कर रहा अभी इस टाइम पे, क्योंकि कोई पता नहीं होता जानवर वगैरह होते हैं। इसलिए अपना अपने तरीके से सीधा सीधा चलोगे तो थोड़ा बहुत डर भी नहीं लगेगा अगर आगे पीछे कुछ होगा। बाकी तो वो क्या ही कह सकते हैं, घना जंगल है। तो गाइस देख सकते हो आप, अभी बज चुके हैं 8 रात के, तो हम भी निकल पड़े हैं। और रोड वगैरह तो पूरी यहाँ पे हैंड लेवल ही है, अभी तक कोई सही रोड नहीं आई यार। तो आप देख ही चुके हो यार कितनी बार मैं फिसलते बचाऊँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करो वीडियो को, जितना हो सके उतना शेयर करो कि कोई अकेले ना आए इस रोड पे, और ज़्यादा दूरी पे नहीं है। ओ भाई एंटी लेवल सीन है। ऑफ रोडिंग हो रही है और खाई देखो बिल्कुल साथ में ही है यार। ओ भाई वो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पे, हेलमेट वगैरह। ओ भाई साहब खतरनाक ही है यार सीन, और मुझे लग रहा है हम टॉप पे पहुँचने वाले हैं बस थोड़ी देर में, जब पूरी टीम होती है। अभी फ़िलहाल हमारे पास पूरी टीम नहीं थी, नहीं तो हमारे पास एक और रूट थी, वहाँ पे हमें रोड खुद ही बनानी थी, पर हम वो भी करेंगे किसी दिन जब हमारे पास टीम होगी पूरी प्रॉपर तरीके से। तो हमें कम से कम 7-8 दिन लगेंगे, हमने पूरी रूट बनानी है, तो एंडी सीन होगा। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट, डर लग रहा है, ऊपर से लाइट भी पूरी हाई बीम पे है यहाँ पे, बट मेरी इतनी आगे तक नहीं जा पा रही लाइट, तो लाइट की मेरे को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जो गॉगल डाली है ना मैंने, वो कसम से बहुत साथ देती है यार मेरा, रात के टाइम पे भी बहुत साथ देती है, क्योंकि इसके ग्लासेस हैं येलो कलर के, तो इतनी दिक्कत नहीं होती मेरे को, मतलब पूरा एक्यूरेट ही दिखता है इसमें एक हिसाब से, ये स्पेक्स का ही काम कर रही है मेरे लिए। अभी तो रात के टाइम रोड्स वगैरह भी नहीं दिखती पूरी प्रॉपर तरीके से, और भाई वो खड़खड़ हो रहा है इतना ज़बरदस्त, मैं क्या ही बताऊँ भाई। ओ ये पत्थर बज रहे हैं ब्रेकों पे, ठल ठल ठल। मैंने जितना आसान समझा था ऑफ रोडिंग को, वो उतना ही ज़्यादा डबल मुश्किल है यार, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ऑफ रोडिंग पे। हाँ सब देखते जो नॉर्मल ऑफ रोडिंग होती है वो तो बिल्कुल ऐसी होती हैं, जो इस टाइप की ऑफ रोडिंग होती हैं इसमें खासकर टायर का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, क्योंकि ऐसी ऑफ रोडिंग में टायर सबसे ज़्यादा स्लिप मारता है, और ख़ासकर जब आप ऐसी जगह पर फंस जाओ ना, वो भी रात के टाइम, तो बहुत ही ज़्यादा डर भी लगता है यार, बहुत हद से ज़्यादा डर लगता है। तो अभी हमने टेंट्स वगैरह भी सारे लगाने हैं, आग वगैरह भी लगानी है वहाँ पे, कि रात को कोई जानवर ना आ पाए। ब्रेक पे कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा चाहिए यार इस रोड पे, और यहाँ पे थोड़ा सा बाइक मोड़ना भी मेरे लिए मुश्किल है। यहाँ हमने टॉप पे जाना है, तो हम टॉप पे देखते हैं हम कितने देर, आपको नहीं दिख रहा होगा वैसे, बट हमारी कोशिश यही है कि हमें टॉप तक पहुँचना है। और भाई ये देखो यार फुल डेंजर जोन है यार कसम से, एक नंबर खतरनाक चीज़ है भाई। मेरे को लग रहा है ये लद्दाख से ज़्यादा खतरनाक ट्रिप है मेरा, लद्दाख का तो मेरा सपना है, तो बट ये मेरे को उससे भी खतरनाक ट्रिप लग रहा है। वहाँ पे तो फिर रोड्स वगैरह बनी हुई हैं ऑलमोस्ट आधे रास्ते तक, ज़्यादा ऑफ रोडिंग भी नहीं है वहाँ पे, और दिन दिन में ट्रैवल हो जाता है, बट ये जो जगह ना भाई ये कुछ ख़तरनाक ही है। और हम टॉप पे पहुँचने वाले हैं,
और भाई भूख काफ़ी ज़्यादा लगी है मेरे को यार, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भूख लगी है यार, क्या ही बताऊँ, इतनी भूख लगी है ना भाई, रोड ही नहीं दिख रही आगे। ओ भाई रोड ही नहीं दिख रही भाई आगे, भैया ब्रेक्स वगैरह भी नहीं यहाँ पे मार सकते इतने ज़्यादा, अगर ब्रेक ज़्यादा बच गई गलती से भी तो भाई स्लिप होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और दावर भाई यहाँ पे रुक चुके हैं, और दावर भाई यहाँ पे रुक चुके हैं, पहुँच गए, यहीं रहना हमने। ओ यार सुनो, सुनो ना मेरी बात, अगर हम लोगों को बाजदार ही रुकना है, सुनो जा ही रुकेंगे। तो गाइस अभी हम रुके थे ब्लास्टदार में, तो अभी हम जा रहे हैं जयवली वाली साइड, तो अब उतरना है, हमने चढ़ाई को उतरना है, अब वही सीन है, उतरने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत है मेरे को, उतरने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि इसके ब्रेक कंट्रोल्स ना काफ़ी ही दिक्कत भरे हैं। तो गाइस अभी आधी रात को आ चुकी है वाटर क्रॉसिंग, और ये हम वाटर क्रॉसिंग कर रहे हैं, जूता गीला हो गया यार पूरा, यहाँ पे गाड़ी हो चुकी है, फंस चुकी है गाड़ी पूरी, उठाओ दबर भाई, तो दावर भाई अभी उठाएंगे गाड़ी, और मेरी बात सुन, बाइक के आगे लगा लेते हैं, नहीं नहीं बाइक स्टार्ट रख ले, आगे आगे करके लगा लेते हैं ना गाड़ी के, यहाँ से इधर निकल जाएगी, हमें टेंशन नहीं है, दावर भाई अपनी स्टार्ट कर लो यार, स्टार्ट लगाना यार थोड़े साथ यार, आजा वीर, चलो यार चलो यार, ओ निकाल यार, ब्रेक मार, बस 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 बस, चल हो गया हो गया, रुको अब देख ले, नीचे से टूटा नहीं, स्टार्ट नहीं करना, पहले हैंड ब्रेक मार, ब्रेक लगी है, पीछे जाएगी लाइट है, देखो कहीं नहीं जाएगी, गाड़ी स्टार्ट का मारो, गाड़ी स्टार्ट का पीछे धक्का, बस सर बस हो गया, देखो आजा भाई, बस भाइयों का भाई एक काम करो, जिसकी गाड़ी है ये तो भाई भाई, नहीं नहीं कोई दूसरा बंदा चलाओ यार, नहीं 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 वीर, नहीं भाई मेरे हिसाब से आप पता क्या करो भाई, नहीं नहीं इधर से आगे नहीं जाइयो यार, आगे नहीं जाओ, रेस्ट करो, रेस्ट करो यार, इतना कुछ नहीं, आप इधर से आगे नहीं जाना भाई, भाई आप उठ रहे हो भाई जान, आप बात करो, असली चक्कर क्या था, नहीं हमें पता चक्कर क्या था, ये रोड आगे से भी जा रहा है, रोड है, रोड ही नहीं आगे, तो आगे तो रोड ही नहीं है, तो बहुत थैंक यू है, नहीं वो तो चलो ना, वो तो हो गया, क्या थैंक यू तो ठीक है, लेकिन जाना नहीं है, आगे जान का रिस्क है, तुम्हारे साथ कौन है, गाड़ी चलाते नहीं आओगे, ये लोग नहीं, चलो वापस ना उधर, तो गाड़ी लेके दो वीडियो बना, मुझे तो बस ठीक, आप बैठो पीछे, मैं वापस, आगे बिल्कुल रोड नहीं है, बिल्कुल रोड नहीं है, पता भी नहीं लगेगा खड्डे का, वही रुक जाओ आज के दिन, कोई फायदा नहीं, क्योंकि आगे तो रोड ही नहीं है, वहीं से है, हमारी बुरी हालत होगी बाइक में, तो ये तो फिर गाड़ी है, पता ही नहीं लगना, है ही नहीं है, और चढ़ाई है साथ में, तो सबू गल करो हमने कने भाई जान, हेलमेट है, नहीं 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 हेलमेट है, गाड़ी तो भाई हमें से गाड़ियां निकाल ले, तो चले जाओ, हमें क्या है, हमें क्या आपके भले के लिए बोल रहे हो, हेलो दीपू भाई, मैं वापस चला जाता हूं वहां पे, आपको भाई बैठ, वही मैं सोच रहा हूं, अरे कहने दो भाई, चलो हमने बंदे को समझाया, नहीं समझता तो क्या ही कर सकते हम भाई अपनी, तो गाइस भाई जान है जहान है, ठीक है, हमने भाई हम नीचे से भाग के आए, हमने यहां कुछ ड्रामा हो गया यार, हम भी ईदगाह से आए, ऊपर से आए, कुछ होता ही होता है, कुछ मेजर सीन हो जाएगा उसको, पता नहीं, वो पता ही नहीं लग रहा है, रात को कहां पता लगेगा कौन आएगा, हम तुम्हारी चली जाएगी, हम तो सजेशन दे रहे हैं, हम क्या, हम तो पिछले 6 दिन से चल ही रहे हैं, हमारा क्या, सो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपना जय वैली में, और यहाँ पे मेरे को लग रहा है स्टैंड मैंने सही जगह पे लगा दिया है, और ये अंदर लगे टेंट, सो गाइस फाइनली अब हम लगाने लगे टेंट, और ये देख सकते हो टेंट, हमारे टेंट लग रहे हैं यहाँ पे, टाइम लैप्स में देख लो आप, सो गाइस जैसे कि आपको पता हमारे टाइम लैप्स तो देख ही चुके होंगे आप, कि टेंट्स वगैरह हमारे सारे सेट हो चुके हैं, और रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, और टाइम भी बहुत हो गया है, तो अब हम खाना शाना खाएंगे और सोएंगे, अब मिलेंगे आपको सीधा सुबह।